हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करें क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, उसके एमसीक्यू। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, 1 to 9 एमसीक्यू कवर किए थे। आज ये 10th क्वेश्चन है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि 20 to 25 तक हो जाए हमारे। तो 10th क्वेश्चन है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई, और बताना है कि जो इसके जीरोज होंगी वो कैसी होंगी। कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, आर ऑलवेज अनइक्वल और आर ऑलवेज इक्वल। तो सबसे पहले तो आपने देखना है यहाँ पे, जैसे आपको इक्वेशन दी हुई है, x² + kx + k, तो ये दोनों क्या है, पॉजिटिव में है। तो जो इनकी जीरोज होंगी वो हमेशा नेगेटिव ही होंगी, कैन नॉट बी पॉजिटिव। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है। और दूसरा वे क्या है कि आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² - 4ac। तो इसमें जो b है वो क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, k² - 4 * a है हमारे पास x² का कोफिशिएंट। x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 * c। c क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारे पास क्या आ गया, k² - 4 k। तो मतलब k की अगर हम वैल्यू 1 पुट करेंगे, 4 1 = 4, और यहाँ पे 1 तो सिर्फ उसमें नेगेटिव आएगी, ठीक है। अगर अभी तो हमारे पास यहाँ पे k की वैल्यू नहीं आ रही, तो अगर हम d इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, ऑलवेज रियल एंड इक्वल आएंगे जीरोस। और अगर d इज लेस देन 0, नेगेटिव है, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, और d इज ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट आएंगे जीरोस, ठीक है, अलग अलग। नाउ 11th क्वेश्चन इज, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ax² + bx + c इज आर इक्वल, देन अगर जो जीरोज है वो इक्वल है तो उसमें क्या पूछा गया है, जो सी एंड ए हैव ऑपोजिट साइन, सी एंड बी हैव ऑपोजिट साइन, सी एंड ए हैव सेम साइन, सी एंड बी हैव द सेम साइन। तो इसमें हमें ए और सी और बी को कंपेयर करना है कि उसके सेम साइन है या ऑपोजिट साइन है। तो अगर तो जीरोज जो है उनके साइन इक्वल है, और वो इक्वल है मतलब उनके साइंस इक्वल है, तो ए बी और सी के भी जो साइन होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारा यहाँ पे ए सी और ए ऑपोजिट साइन, तो नो ये वाला नहीं हो सकता। सी एंड बी है वो ऑपोजिट साइन, ये वाला भी नहीं हो सकता। सी एंड ए हैव द सेम साइन, इसका और इसका सेम साइन है। सी एंड बी अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, सपोज एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है, x² + 3x + 2x, ठीक है। अगर हम यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, -3, तो यहाँ पे x² - 2x - x + 2x, मतलब a और c का हमने सेम साइन लिया है, और ये हमारा डिफरेंट हो सकता है। और अगर हम प्लस में भी इसको ले रहे हैं तो भी हमारे पास सेम थिंग आएगी, x² + 2x + x, बस इसमें साइन चेंजेस आ गए हैं। तो हम लिख सकते हैं c और a हो सकते हैं, बट c एंड b हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर c इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का इसमें से कौन सा ग्राफ नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मतलब पी ऑफ एक्स, जिसमें एक्स की कोई ना कोई जीरो होंगी, ठीक है। तो इसमें देखो, फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ये तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, तो इसकी एक्स की कोई जीरो हो ही नहीं सकती। तो ये वाला जो ग्राफ है वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नहीं है, और इसमें ये टच कर रहा है तो ये हो सकता है, ये भी टच कर रहा है इसको टू वेज से तो ये भी टच कर रहा है, ये भी हो सकता है। तो जो टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस पे वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नाउ द 14th, ये हमारा 13th क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन इज, अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज जीरोस आर -4 and -5 इज, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स दी हुई है, इनमें से बताना है कि इसकी जो क्वाड्रेटिक, किसकी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की जीरो -4 and -5 है। सबसे पहले तो जो जीरोज है वो -4 and -5 दी हुई है, ठीक है। तो -4 और -5 मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगी वो पॉजिटिव होगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा इसमें, क्योंकि बाकी सबने नेगेटिव है, ठीक है। और अगर ऐसे भी नहीं पता चलता तो आप क्या करो कि एक सिंपली जीरो को इसमें पुट करके स्टार्ट कर दो, चेक करना। तो हम फर्स्ट जीरो ले ले फर्स्ट पॉलिनोमियल ले लेते हैं, x² - 9x + 20, ठीक है। अब इसमें -4 पुट करेंगे अगर, तो इसकी वैल्यू जीरो आ गई, तो ये होगा इसका।
अगर नहीं आई तो इसका जीरो नहीं है। 9 4 4 9 36 +20 तो सारे प्लस प्लस है, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो ही होगा। सेकंड में पुट करके कोई सी भी एक वैल्यू आप पुट करके देख सकते हो, -4² + 9 × -4 + 24 = 16 -4 9 = 36 + 20 20 + 16 आ गया 36 -36 = 0 तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल दी हुई है x² + 1750x + 175000 आर। दोनों नेगेटिव होंगे इसके जीरोस, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, बोथ पॉजिटिव बोथ इक्वल। तो बताओ ये वाला तो हमने किया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, इसमें देखो अब इसमें भी पॉजिटिव है। अगर पॉलीनोमियल पूरी पॉजिटिव है तो उसकी जो जीरोस आएंगी वो दोनों ही नेगेटिव आएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल x² - 15x + 50 आर। अब इसकी जीरोस क्या होंगी कि दोनों नेगेटिव होंगी? नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया दोनों नेगेटिव होने के लिए ये सारी प्लस होने चाहिए, बट इसमें तो एक नेगेटिव है। वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव बोथ इक्वल। तो अभी चेक करना पड़ेगा इसको, हमारे पास है x² - 15x + 50 ठीक है। तो हम इसके थोड़े से फैक्टर्स मिडल टर्म स्प्लिट करके देखते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 10x - 5x + 50। तो दोनों यहाँ पे क्या आ रहे हैं? नेगेटिव, तो बोथ आर पॉजिटिव आएंगी हमारे पास जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल 3x² - 48 आर। दोनों नेगेटिव होंगी या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव या फिर दोनों इक्वल होंगी, तो ये हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। जैसे कि 3x² - 48, अब इस पॉलीनोमियल को हम जीरो के इक्वल लिख सकते हैं, 3 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 = 0, 3 उधर जाके जीरो हो जाएगा। x² - 16 = 0, तो x = 16 यहाँ पे नेगेटिव है उस साइड जाके पॉजिटिव, तो x = √16 = 4। और जब भी हम स्क्वायर से रूट लेके जाते हैं तो हम यहाँ पे प्लस और माइनस लिखते हैं, तो हमारे पास एक जो वैल्यू होगी x की प्लस 4 होगी और एक वैल्यू होगी -4, तो 1 is positive and 1 is negative, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल x² - 18x + 81 आर। कि दोनों नेगेटिव होंगी, दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सेम ऑप्शंस हैं, तो देख लेते हैं इसको, चेक करेंगे x² - 18x + 81 = 0। x² अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो -9x - 9x + 81। अगर दोनों माइनस होंगे तभी ये पॉजिटिव आएगा, तो जो रूट्स होंगे इसकी जीरोस होंगी वो दोनों क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, तो वन पॉजिटिव ये तो ऑप्शन नहीं है, बोथ नेगेटिव ऑप्शन नहीं हो सकता, बोथ पॉजिटिव एंड अनइक्वल, बोथ इक्वल एंड पॉजिटिव। अब इक्वल और पॉजिटिव का भी फाइंड करना है तो हम इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स को कॉमन निकालेंगे इसमें से 9 कॉमन आएगा, तो यस दिस इज दोनों ही हमारे पास पॉजिटिव एंड इक्वल आएंगे, क्योंकि x माइनस 9 आ रहा है दोनों साइड, इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x = 9 ही आ जाएगा, बोथ पॉजिटिव एंड इक्वल, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 अकॉर्डिंग टू माय वीडियो। तो ये हम हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, p की वैल्यू फाइंड करनी है, पॉलीनोमियल हमें गिवन है p - 1 x² + px + 1 = 0, x की वैल्यू हमें गिवन है -3, तो इसमें पुट कर देंगे p - 1 - 3² + p (-3) + 1 = 0, p - 1 (3, 3 = 9) + −3p + 1 = 0। आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9p - 9 - 3p + 1 = 0, -9 + 1 - 8, उस साइड जाके क्या हो जाएगा +8, 9p - 3p = 6p, तो हमारे पास p = 8/6, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 4/3, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है।
तो जो बेसिक्स थे, बेसिक क्वेश्चन जो आ सकते हैं पॉलिनोमियल में, वो हमने कवर कर लिए हैं। तो जो इसके मेन पॉइंट्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मेन इस चैप्टर में मेन के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, जीरोस रूट्स क्या होती है, वो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेन पॉइंट्स इसके बता दूंगी। और अगर आपको कोई डाउट है या कोई आपको क्वेश्चन पूछना है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।